अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हियर इन माय चैनल एस पी लियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो खूबसूरत सी एक कलेक्शन शेयर कर रही हूँ ऑफ नेल पेंट्स ऑफ डिफरेंट शेड्स। ये इतनी खूबसूरत सी कलेक्शन है जिसमें मैंने आपके लिए टॉप 50 डिफरेंट ऐसे शेड्स चूज़ किए हैं जो कि फैशन में इन चल रहे हैं, यानी बहुत ट्रेंडिंग ये कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन तमाम शेड्स की। और ये तमाम के तमाम ऐसे कलर्स हैं जो कि हर सीज़न में बहुत बेस्ट रहते हैं, स्पेशली समर सीज़न में। दिस इज़ वन ऑफ वेरी अट्रैक्टिव टाइप ऑफ कलर्स कलेक्शन जो कि आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स की नेल पेंट्स हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं, और आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे कलर्स का जो आइडिया है वो देने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप ये कलर्स देख लें कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा कलर चूज़ करें और कौन से ओकेजन पे किस तरह का कलर जो है वो बेस्ट रह सकता है। कुछ आपको पार्टी वेयर शेड्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ ग्लिटर के साथ हैं खूबसूरत से शेड्स, क्योंकि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आ चुकी है नेल पेंट्स में। नेल आर्ट भी बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, लेकिन बेसिक कलर्स जो हैं वो ये वाले हैं। और इसमें अगर ग्लिटर है तो फिर इसके ऊपर आप अगर नेल पेंट करना चाह रहे हैं, नेल आर्ट करना चाह रहे हैं डिफरेंट शेड्स अप्लाई करके, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप प्लेन के साथ रखते हैं और डिफरेंट अदर कलर्स का ब्लेंड करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इन दिस केस ये कलर्स जो हैं ये आपके साथ यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। हर तरह से एक खूबसूरत सी कलेक्शन है, और आप इसको डिफरेंट ओकेजन्स पर, क्योंकि कलर शेड्स जो हैं वो डिफरेंट से हैं, कहीं पर आपको बहुत ब्राइट कलर्स दिखाए गए हैं, कहीं पर आपको बहुत डिसेंट से कलर्स भी दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉप 50 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ओकेजन के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। और चूँकि अब आगे आप देखें कि ये सिस्टम इस टाइम पे जो चल रहा है, दैट इज़ लॉकडाउन सिस्टम, तो आप यहाँ से इन कलर्स में से ये देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी जो स्टॉक है उसमें कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं और उनको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको लॉन के ड्रेसेस के साथ स्पेशली जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ यूज़ इनको किया जा सकता है। कॉटन के ड्रेसेस के साथ भी नेल पेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ तो नॉर्मली यूज़ किए ही जाते हैं, वो तो एक बहुत ही आप कहें कि इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन आप रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए भी अगर आप इस तरह के शेड्स अप्लाई करते हैं, और स्पेशली जब कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा होता है लाइक ईद आ रही है, तो फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से शेड्स आपके पास मौजूद हैं, और अगर नहीं हैं तो कौन से शेड्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। ये खूबसूरत सी कलेक्शन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये कलेक्शन ऑफ नेल पेंट्स अच्छी लग रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ में बहुत सारे व्यूवर्स ने एक फरमाइश की हुई है कि लॉन के ड्रेसेस जो हैं वो भी शेयर किए जाएं, तो इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो है उसमें आपके साथ लॉन के ड्रेसेस शेयर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट नेल पेंट्स दिखाए जा रहे हैं, अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको थम्स अप तो करेंगे ही। लेकिन अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं लॉन के ड्रेसेस देखने के लिए, तो एटलीस्ट इस वीडियो को 500 लाइक्स ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि यस, आप वाकई में लॉन के ड्रेसेस जो हैं वो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो इन दिस केस आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस वीडियो पर आ जाएगी। इस तरह से ये खूबसूरत सी कलेक्शन है, और हर बंदा बड़ा इंटरेस्टेड होगा इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही जो आप कहें कि जो फैशन मेकअप आइटम्स होते हैं उसमें हॉट फेवरेट आइटम जो है वो दैट इज़ नेल पेंट। अगर लिपस्टिक के बाद कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है तो दैट इज़ नेल पॉलिश एंड नेल पेंट्स हैं। और जिनको अच्छे नहीं मिले, मतलब ख़ुद अप्लाई करने के लिए अच्छे नहीं भी लग रहे होते, तो वो भी देखना एटलीस्ट ज़रूर पसंद करते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने खूबसूरती से इनके इस्तेमाल किए गए। सो आई होप कि ये कलेक्शन आपको अच्छी लगी होगी। सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर योर सेल्फ, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा रिगार्डिंग दिस कलेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।